मुजफ्फरपुर के अहियापुर में पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के पेट्रोल पंप से हुई 27 लाख लूट मामले में शामिल अर्जुन सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस बरामद और चरस बरामद किया है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस को दूसरी सफलता कांटी में मिली, जहां वाहन चेकिंग के क्रम में एक अपराधी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा, दो कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के मंथुर फाइनेंस में हुई सोना लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बेहद अहम है। वही कटरा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग में दो अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास एक जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, दो खोखा, एक बिना नंबर के अपाची बाइक एवं दो मोबाइल बरामद किया है। पिछले 24 घंटों में मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम में बड़ी सफलता मिली है। नगर पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी टाउन को सूचना मिली कि कुछ अपराधी किसी अज्ञात स्थान पर इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की घटना को वारदात अंजाम देने वाले। इस मामले में विशेष टीम बनाई गई। विशेष टीम के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी बाद में पूछताछ के पश्चात में चार अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि कटरा, अहियापुर और काटी थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 कंट्रीमेड वेपन, 3-4 राउंड गोलियां, मोबाइल और इसके अलावा 2 बाइक्स बरामद की गई हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से एक अपराधी ने मुठुत फाइनेंस में जो लूट हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार नगर पुलिस अधीक्षक की टीम को अपराधियों की रोकथाम में एक सफलता मिली। सर, किस प्रकार की संलिप्तता ये मुथूट फाइनेंस वाले घटना में? ये पूरी तरीके से ये काटी थाना क्षेत्र के रहने वाला ये अपराधी उस घटना में जो है मुथूट फाइनेंस में अंदर भी गया था, जिससे यहाँ पे लूटपाट की थी, जिस मामले में इसने कन्फेस किया है। लूट की कोई रकम बरामद हुई है? रकम कोई नहीं बरामद हुई है अभी तक। इसको जो है अभी हम लोग रिमांड पे लेंगे और फिर आगे किससे और भी सकते हैं। इसके अलावा जो एक अपराधी और इसमें अरेस्ट हुआ है, जो कि पूर्व में 26 लाख रुपए की लूट अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई थी, उसमें ये अपराधी पुलिस को पूर्व से इसकी तलाश थी, जिसको अरेस्ट किया गया।